सभी पवित्र आत्मा के गाने के साथ गिरजाघर में प्रवेश करेंगे। Oh,
नियुक्ति पत्र पढ़कर हमें सुनाएंगे। आज यदि हमारे नवी के साथियों को अधिक खुशी और खुशी का फल है, आज हमारी पानी में हो गया और आज ये अपना पद भाग हमारे नए पंडित पोहित अगर संजय तिथि को हमारे माध्यम के द्वारा पद भाग ग्रहण करेंगे। पल्ली पोहित का नियुक्ति पत्र माननीय फादर संजय तिथि संपूर्ण रांची महाग्राम प्रांत विशेषकर पवित्र हृदय कार्तिक क्षेत्र लपरा में कृषिजन की आवश्यकता के मद्देनजर मैं आपको पल्ली के पल्ली पोहित का कार्यभार सौंपता हूँ। कृपया आप यथाशीघ्र पल्ली का कार्यभार ग्रहण करें। पल्ली पोहित प्रतिष्ठापित होने के पूर्व सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में आप विश्वास निर्गत करेंगे, जिसकी सूचना वे माध्यम प्रांत के सचिव को देंगे। आप पल्ली पोहित प्रतिष्ठापित होने के पश्चात पल्ली पोहितों के लिए आप विधान द्वारा निर्धारित तथा इस महा धर्म प्रांत की परंपरा या अधिकार पत्र द्वारा प्रदत्त संपूर्ण दायित्व और अधिकार प्राप्त करेंगे। पल्ली में न केवल कैथोलिकों बल्कि गैर कैथोलिकों की देखरेख का दायित्व भी आपको सौंपा गया है। अपने नए रेवड़ को हर स्तर पर उपयुक्त कैथोलिक शिक्षा प्रदान करना अपना विशेष कर्तव्य समझे। आप पल्ली की चल अचल संपत्ति की बड़ी खबरदारी से देख रेख करें। हालांकि पल्ली पोहित कार्यालय कुछ हद तक अस्थायी है, आत्माओं के हित और धर्म प्राप्त की जरूरत में मैं किसी भी समय स्थानांतरण या बर्खास्ती का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता हूँ। आपके नए प्रेरित दायित्व में प्रभु सदा साथ देता रहे। आशीर्वाद और सभी शुभकामनाओं के साथ फेलिक्स टप्पो एसजे रांची के महाधर्माध्यक्ष। आज विश्व भवन रांची दिनांक 21 मई 2020। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा ईश्वर पिता और पवित्र आत्मा का सहचार्य आप सबो को प्रभु हमारे लिए चरवाहा है, अपना काम संभालने के लिए अपनी प्रजा की प्यार करने अपनी प्रजा की सेवा करने और हर बार हम एक पंक्ति पुरोहित की प्रतिस्थापन करते हैं सिर्फ होते हैं प्रजाति
जैसे हम जानते हैं राज के पाठ में भी हम सुनेंगे के पाठ प्रभु हमें बुलाता है प्यार के लिए सेवा के लिए, और यही प्यार के लिए सेवा के लिए पुरोहिताई की भोजन होती है और पुरोहिताई की सेवा। तो को अपने कारण के लिए अपने जरूरतों के लिए पुरोहितों की अदल बदल करते अच्छा पद अजय के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो साल यहाँ विशेष करके लॉकडाउन में जो बहुत मुश्किल था हमारी लोगों की सेवा विद्या में उसकी जरूरत पड़ी पद संजय को यहाँ पर भी पुरोहित बनाया है। आप लोगों की सेवा चलती रहे लेकिन कल्पी पुरोहित और प्रजा के बीच जब एक प्यार का प्रेम का संबंध होता है संपर्क होता है तब ये माध्यम द्रौपद संजय के लिए आज प्रार्थना करते हैं अपना नई पत्नी तक आगे जाते हुए वो प्रभु प्यार लोगों को प्रेम देना लोगों की सेवा करने प्रभु आप लोगों के लिए ये विषय चलाता हूँ कि हर एक जगह हर एक परिवार में प्रभु की शांति उत्पन्न हो जाए लोगों का आनंद जिंदगी में आगे बढ़ेंगे हमारे पापों की याद करते हुए दया याचना जब कभी भी विश्वासी प्रभु का स्वागत करने के लिए एकत्र होते हैं पुरोहित उन्हें पछतावे और पाप स्वीकार के लिए आमंत्रित करते हैं। वे उन्हें याद दिलाते हैं कि पाप करने से हम न केवल ईश्वर को आघात पहुंचाते हैं वर समुदाय में भी विश्वास भरोसे व प्रेम की कमी का कारण बनते हैं। इसी मेल मिलाप के संस्कार को भली भांति संपन्न करने के लिए चिर स्वरूप धर्माध्यक्ष नए पति पुरोहित को अभी बैंगनी रंग का स्तंभ पर भेंट करते हैं। तत्पश्चात हम सब मिलकर एक साथ अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और ईश्वरीय दयालुता के लिए अर्जी करें।
हम प्रार्थना करें हे ईश्वर तूने कलीसिया के परिश्रमों को भाई बहनों से सेवा पाना नहीं उनकी सेवा करना सिखाया है। हमारा निवेदन है कि हमें कार्य शिक्षा सेवा में विनम्र और प्रार्थना में अटल बना दे। हमारे प्रभु और प्रभु के द्वारा ईश्वर होकर जल और पवित्र आत्मा से नव जन्म प्राप्त कर हम ईश्वरीय प्रजा के सदस्य बन जाते हैं। इस पल्ली में पुरोहित न केवल बच्चों को स्नान संस्कार देंगे बल्कि विश्वासियों को यह स्मरण दिलाते रहेंगे कि वे ख्रिस्तीय पवित्रता के जीवन के लिए बुलाए गए हैं। इसी का अनुष्ठान करने के लिए अभी नवनियुक्त पल्ली पुरोहित बपतिस्मा जल सहित पात्र पवित्र ख्रिस्मा का पेड़ पाठ का मोमबत्ती और बपतिस्मा पंजीकरण ग्रहण करेंगे। नहीं है
पड़े, काम हमारे लिए समुद्र पार कर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। नहीं, वचन तो तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख और तुम्हारे हृदय में है, जिससे तुम उसका पालन करो। प्रभु की वाणी। उन्हीं की प्रेरिताई को आगे बढ़ाने के लिए बुलाए गए हैं।
अतः नए पंडित पुरोहित के लिए धर्माध्यक्ष बीमारों का तेल और मृतक पंडित प्रदान करते हैं। Thank you.
अध्याय 10 पद संख्या 25 से 37 तक। मेरा पड़ोसी कौन है? इसी दिन एक शास्त्री आकर इस प्रकार यीशु की परीक्षा करने लगा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु यीशु को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया है, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी वहां आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद एक समारी वहां आ गया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास आया और उसने उसके घाव पर तेल और अंगुली डालकर पट्टी बांध दी। तब वह उसे अपनी सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें, यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में से कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य की पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसे ही करो। प्रभु का सुसमाचार। मेरे प्यारे पदर संजय विजय पदर विलफ्रेड अशीत सिस्टर का प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चे बच्चियों, हम आज के पाठ सुने हैं। पहले पाठ में हमें बताया जाता है कि प्रभु ने अपने प्रजा की भलाई के लिए उनको कानून दिया है, उनको एक कलीसिया की व्यवस्था बना के छोड़ा है। दूसरे पाठ में हमें बताया जाता है कि मसीह द्वारा हमें मुक्ति मिलती है, मसीह द्वारा ही हमें आनंद प्राप्ति मिलती है। और आज के सुसमाचार में प्रभु हमें सेवा का अधिकार देता है और सेवा की कर्तव्य करने को आज्ञा भी देता है। अभी कहानी अच्छी तरह से सुनेंगे। याद रखना, ये आदमी जो आया था, जो चोरों के हाथ पकड़ गया,
उसकी जात नहीं बताई जा, इंसान है, कष्ट उठाने वाले इंसान है। लेकिन हर एक जन जो उसको देख के जाता है उसकी जात और वर्ग पता है, कोई पुरोहित का, कोई कानून वाला एडवोकेट का, जो उसको देखभाल करने जाता है उसकी भी जात बताई है कि ये यूदेय घराना का नहीं था। प्रक्रिया में न सिर्फ ये आदमी जो गर्भ में नहीं पाला हुआ था, यूदा के गर्भ में नहीं पाला हुआ था, न ही इसका देखभाल करता है, लेकिन पैसा भी देता है उस होटल वाला को कि और कुछ खर्चा हो गया तो इससे, और होगा तो मैं वापस आते समय आपको दे। इतना प्यार, अनजान आदमी का इतना प्यार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आज की इतवार की बात है, हमने सुने नहीं, लेकिन आज प्रतिस्थापन हमारे पहले पूर्वज के प्रतिस्थापन के दिन, जिनसे प्रभु हमें संदेश दिया। देखिए प्रतिस्थापन कैसा शुरू होता है, हम सब बाहर, सब अनजान है, पल्ली पुरोहित हमें कलिसिया मतलब गिरजाघर का दरवाजा खोलता है, द्वार खोलता है प्रभु के पास आने के लिए। ये उसका पहली ड्यूटी है, पहला कर्तव्य है, लोगों को प्रभु के पास ला, वेदी के सामने लाके उनके लिए ये प्रभु का बलिदान चढ़ा। उसके बाद उसको जो करीब 40 साल में उपयोग करते हैं वो स्टोर, जो कल्लर का स्टोर, कपल स्टोर दिया, पश्चाताप का, लोगों को प्रभु के पास पश्चाताप के लिए लाने के लिए और पाप स्वीकार में भाग। बपतिस्मा का तेल दिया, बपतिस्मा का तेल इसलिए कि जो बच्चे या कोई लोग कलीसिया में प्रवेश करने चाहते हैं उनको बपतिस्मा को देने के लिए अधिकार। मैं बोल रहा था प्रभु ने हमारे कानूनी व्यवस्था कर रखी है, अपनी प्रजा की आध्यात्मिक सेवा की। उसके बाद सुसमाचार ने दिया, लोगों को सुसमाचार प्रकट कर, रोगियों का तेल दिया जाएगा, उसके हाथों में बपतिस्मा का पात्र और मरण का पात्र दिया। मतलब क्या है, प्रभु हमारा जन्म से मरण तक हमारा होता है, और इसलिए हमें चरवाहे देख लेता है, सेवा के रूप। और पल्ली पुरोहित ने ये नहीं देखना कौन गरीब है कौन अमीर है, पल्ली पुरोहित ने ये नहीं देखना मैं उसको जानता हूं नहीं जानता हूं, जानने वाला है अनजान है, सेवा करता है। संस्कार देना वो ही लोगों को है जो सब चीज को संस्कार मिल सकते हैं, लेकिन सेवा सभी के लिए है। और सभी कलीसिया ने इसमें बात की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने हमारे संपर्क, हमारे जो कलीसिया के नहीं है उनके साथ और मिलना, उनसे हमारा प्यार जाना चाहिए,
हमारी सेवा जाने चाहिए कि वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचाने, कि जान ले कि प्रभु यीशु हमें प्यार सिखाता है, वो ही प्यार हम करते हैं। विशेष करके ऐसी जगहों में जहाँ कलीसिया बहुत छोटी है, अब हम बहुत छोटे हैं, लेकिन छोटे बीच से ही बड़ा जाल हो, बड़ा पेड़ हो। अगर हम हरेक चाहे सही हमारा धर्म सेवा का धर्म जीते रहेंगे तो लोग दूसरे लोग हमारा अनुभव करेंगे। जिनको बोलना है बोलने तो हम धर्मत्व की बात करते हैं, हाँ करता हूँ, क्योंकि दूसरों को प्यार देना, दूसरों की सेवा करना हमारी गुलाहट है। क्रिश्चियन लोगों की गुलाहट है दूसरों की सेवा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे पल्लीपुर या फतेहपुर संजय कीर्ति के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि जो सेवा में प्रभु ने उसे लगाया है वो सेवा अच्छी तरह से कर पाए और उसी की सेवा में हम भी भाग हो के प्रभु का सुसमाचार दूसरे लोगों को पढ़ें।
मैं फादर संजय देव की धर्मसार की प्रत्येक बिंदु में विश्वास करता हूँ। उसके साथ साथ मैं उन बातों में भी विश्वास करता हूँ जो बाइबल में लिखी थी। वह परंपरा के अनुसार अनुरूप में नहीं समाहित है और जिन्हें कलिसिया ने औपचारिक व अनौपचारिक के ढंग से घोषित किया है कि वे प्रकाशना से संबंधित हैं। मैं उन सभी शिक्षाओं को भी अंगीकृत करता हूँ जिन्हें कलिसिया ने विश्वास और नैतिक के जीवन के लिए निश्चित किया है। इसके अतिरिक्त मैं सारे मन और हृदय से संत पिता और हमारे धर्माध्यक्ष के परिषद की शिक्षा ग्रहण करता हूँ जिसे उन्होंने सअधिकार प्रस्तुत किया है, जो भी कि वे उसे अस्थाई शिक्षा स्वरूप घोषित करने की इच्छा नहीं रखते। आमीन। अब हम हमारे जो निवेदन है प्रभु को विश्वास से हमारी सभी कल्पना आशाएं प्रार्थनाएं प्रभु के सामने लाएंगे। हम प्रभु को उनको स्वीकार करने के लिए प्रार्थना अपने
में अच्छी वर्षा के लिए प्रार्थना करें, ताकि सभी किसान भाई बहन अपनी खेती बाड़ी का काम सही समय पर आसानी से अच्छी तरह कर सके। इसके लिए निवेदन करें। प्रदान कर ताकि वास्तु स्वस्थ रहकर हमारे लप्रपल्ली के सभी कलिसियों की अच्छी मार्गदर्शन कर सके तथा उनके सभी कार्यों में ईश्वर के वरदान मिले। इसके लिए निवेदन करें। ईश्वर तू ही हमारी शरण और हमारा बल है। अपनी कलीसिया की प्रार्थनाएं सुनो, क्योंकि तू ही सारी भक्ति का स्रोत है। जो कुछ हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं उसे हमें वास्तव में प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। अभी हमारे नए पल्ली पुरोहित के पदभार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा होगी। मैं फादर संजय तिर्की पल्ली पुरोहित का कार्यभार संभालते हुए प्रतिज्ञा करता हूँ कि सदा कार्तिक कलीसिया से अपने वचन और व्यवहार के द्वारा संयुक्त रहूँगा। मैं पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन कर्तव्यों को पूरा करूँगा जिसके लिए मैं स्थानीय और विश्वव्यापी कलीसिया की सेवा हेतु कलीसियाई विधान के अनुसार वचनबद्ध हूँ। मैं उन दायित्व का निर्वाह करूँगा जो कलीसिया के नाम पर मुझे सौंपा गया है। बोए गए पूर्ण विश्वास को मैं सुरक्षित रखूँगा और पूर्ण विश्वास पूर्वक समझदारी के साथ उसे प्रदान करूँगा। इस कारण मैं उसके विपरीत सभी सिद्धांतों से दूर रहूंगा। मैं कलीसिया के सामान्य अनुशासन का पालन करूंगा और कलीसिया के संपूर्ण विधान के अनुपालन का आह्वान करूंगा, विशेषकर जो कलीसियाई कानून में समाहित है। मैं कलीसिया के आज्ञाकारिता के साथ उस विश्वास का अनुसरण करूंगा जिसकी घोषणा कलीसिया के प्रमाणिक के धर्माचार्य और गुरु करते हैं तथा कलीसियाई अधिकारी स्थापित करते हैं। मैं स्वेच्छा से रांची धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष के साथ काम करूंगा जिससे प्रेरित के कार्य कलीसिया के नाम एवं आदर्श के अनुसार उसी कलीसिया की एकता में संपन्न हो सके। इसलिए हे ईश्वर, पवित्र सुसमाचार के सामर्थ्य से जिससे मैं अपने हाथों से छूता हूँ, मेरी सहायता कर।
पवित्र युक्रिस्त समारोह पुहिताई तथा कलीसिया के जीवन का केंद्र है। इसी समारोह में सहभागी होने के लिए पल्लीवासी प्रत्येक सप्ताह एकत्र होते हैं। यही हम रोटी तोड़ते समय प्रभु को पहचानते हैं और एक साथ अनंत जीवन की रोटी खाते हैं। अभी नवनियुक्त पल्ली पुरोहित रोटी भरा पात्र दाखरस से पूर्ण कटोरा और संदूक की कुंजी स्वीकार करेंगे। I'm not afraid.
स्वर्गीय भोजन चिंतित किया है। हम तेरी महिमा और विश्वासियों कल्याण के लिए विश्वास सेवकों की तरह समाचार का प्रचार, संस्कारों का अनुष्ठान और प्रेम के कार्य कर सके। हम यह हम पर कृपा कर हमारे रूप के द्वारा आमीन। Namaste।
खुदा की स्तुति है। तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हमने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब कृष्ण का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एक हे प्रभु, हमारे संत का फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स द फोर्थ और सर धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्केलस और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे भाग्य इस सुधि के जो पुनरुत्थान की आशा में बड़े और सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करो। हम सब बताया कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम उनके बाद धन्य यूसुफ धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग तक तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु कृष्ण के द्वारा वीर के साथ आए शक्तिवान्य ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ समान युग जब हमारे मुख्य दादा यीशु की बात
हमारे मन में आशा पूरी करेंगे। राज तक सदैव रखती है। मैं तुम्हारे में शांति चाहता हूँ, अपनी शांति प्रदान करता हूँ। तुम हमारे पापों पर नहीं होती कभी स्वास्थ्य अपने पापों पर उसे शांति बताइए। आमीन। शांति सदा आप आपके इसके साथ में साथ में परस्पर शांति Thank you.
रांची धर्म प्रांत के सभाध्यक्ष बिशप चौधर मस्करनस, सदैव फादर आसिफ टोपो, सदैव फादर अजय बीच एवं सदैव फादर विफ्रेड एवं लपरापल्ली के सही विश्वासियों माता पिताओं भाई बहनों सबों को जय श्री। आज हम बहुत खुश है। क्यों खुश है? हमारे बीच हमारे बिशप आए हुए हैं और आप लोग नए पल्लित वैदिक पाए, इसलिए हम लोग खुश हैं। तो मैं हमारे धर्माध्यक्ष बिशप चौधर मस्करनस को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद, व्यस्तता के बावजूद भी हम सबों के लिए अपना बहुमूल्य समय दिए हैं। रांची से लपरा बहुत दूरी है, इसके बावजूद भी उतना दूरी तय करते हुए हमारे बीच आए, यह क्या दिखाता है? उनका प्यार, उनका स्नेह यही दिखाता है कि बिशप स्वामी हम सबों को प्यार करते हैं, और इसलिए वे अपना प्यार तो हमें देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम देखते हैं बिशप स्वामी को हमेशा हंसते रहते हैं, किसी को भी विशेष करके बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। जब भी कोई बच्चों को देखते हैं उसको गले लगा लेते हैं, उसको दुलारते हैं, पुचकारते हैं। उनका स्नेह, उनका प्यार हम प्रत्येक जन के लिए, और उसी प्यार को आज हम सबों को देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। विशेष करके मैं हमारे धर्माध्यक्ष बिशप चौधर मस्करनस को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे इस पल्ले में काम करने के लिए मुझे नियुक्त किए। मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा पुरोहित बनने का मतलब कि मेरा पुरोहिताय बड़ा हुआ करीब 8 साल हो रहा है, और ईश्वर की योजना है, और इसलिए मैं आज बड़े बदली हो चुका हूँ। ईश्वर की योजना है, जहाँ भी हमारे स्वामी हमें बोलते हैं कि आपको उस जगह पर आवश्यकता है, हम बिशप स्वामी की बातों को नहीं इनकार कर सकते। जहाँ भी वे बोलते हैं और हम जाने के लिए तैयार रहते हैं। मैं इस लपरापल्ली में बिशप स्वामी के द्वारा भेजा गया हूँ, और आप सबों के बीच काम करने के लिए एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ है बिशप स्वामी के द्वारा। बिशप स्वामी जी, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने मुझे इस पल्ली में काम करने के लिए एक अवसर दिए हैं। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि यह पल्ली आगे बढ़े, फले फूले। आप सबों की सहयोग, आप सबों की सहायता अति आवश्यक है, और हम इस पल्ली को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो सचमुच में यह पल्ली आगे बढ़ पाएगा और एक बहुत अच्छा पल्ली बन पाएगा। मैं आप प्रत्येक जन को, यहाँ के अनेक माता पिताओं, विशेषकर कार्तिक सभा के सभापति एवं जितने भी महिला संघ के सभानेत्री, युवा संघ के सदस्य एवं जितने भी इस पल्ली में रहने वाले हर एक विश्वासियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने मुझे सहज इस पल्ली में स्वीकार किया है, मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं फादर अजय बिच को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस पल्ली में 2 साल तक कार्य किए, आप सबों की सेवा किए, और इस पल्ली को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिए हैं। मैं फादर अजय बिच को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके अथक प्रयास से आज हम सब इस पल्ली को इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना योगदान दिए हैं।
मैं यहाँ के सभी पात्रों को विशेष करके सदैव फादर विल्फ्रेड, सदैव फादर आशीष टप्पो सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद फादर्स, एवं साथ ही साथ हमारे इस पल्ली के सभी सिस्टर्स को, सिस्टर माता हैं, जितने भी सिस्टर्स हैं सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ उनका सहयोग उनका प्यार के लिए। आज के सुंदर गाना संचालन के लिए मस्जिद खार के सभी युवा भाई बहनों को मैं उनके सुंदर गाना संचालन के लिए धन्यवाद देता हूँ। हमको भी तो देख लेना। और साथ ही साथ लातूर वाले भी उनका सहयोग किए हैं, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। आने वाला रविवार गाना का संचालन लबरा यूनिट के विश्वासियों के द्वारा आने वाला रविवार होगा का संचालन होगा। धन्यवाद। बीते रविवार का चंदा दान 655 रुपया आप सबों के दान हृदय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दो ही शब्द बोलना चाहता हूँ, एक तो संजय को धन्यवाद देने के लिए, फादर संजय को बधाई देता हूँ और इस नया पल्ली रोहित की जो पद लिया है उसमें वो इस पल्ली में बहुत सफलता प्राप्त करे ये हमारे प्रभु से विशेष करके फादर अजय को धन्यवाद देता हूँ। दो साल पहले जब उसको यहाँ नियुक्त किए तब उसको और विल्फ्रेड को तब यहाँ घर भी ठीक नहीं था, उसके पहले दूसरे पल्ली पुरोहित भी वो घर में रहते गए। एक दिन फादर विल्फ्रेड पे एक सांप भी गिरा ऊपर से तो बाल बाल बच गए, लेकिन धीरे धीरे हम यहाँ नया घर तैयार किया है, एक घेरा लगाया है कि ये सुरक्षित रहे, क्योंकि मेरी सब सदा पुरोहितों की और हमारी प्रजा की चिंता है कि वो सुरक्षित रहे। अब कठिनाई में फादर अजय और फादर विल्फ्रेड ने ये आगे बढ़ाया और इसलिए उनको दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरा जंगल जैसा दिखता था पीछे, अभी आपको देखते हैं काफी सफाई हो गए और कई जन आज सबके पास गए भी थे कि फादर अजय को ट्रांसफर नहीं करना, मेरे पास नहीं आया मैं बच गया, लेकिन उसको इसलिए ट्रांसफर नहीं किया कि जहाँ अच्छा काम नहीं कर रहा था हमें सरकार के नियम के अनुसार कई स्कूलों में जरूरत पड़ी। हमारा दिव्या का प्रिंसिपल रिटायर हो रहा था तो वहाँ पुरोहित लगाना था और उसके साथ जो क्वालिफिकेशंस थे वो थे, तो उसको बड़े दुख से मैंने उसको यहाँ से निकाल के दिया। पता नहीं उसको दुख हुआ कुछ हुआ बोला नहीं, लेकिन चुपचाप तो चला गया। तो और फादर संजय को भी हम रिवंस स्कूल में लगाया था थोड़ा आगे की पढ़ाई और उससे चीज करने के लिए इंग्लिश मीडियम में लगाया था। तब जब जरूरत पड़ी मुझे नहीं चाहिए था कि और एक बुजुर्ग आदमी हल आके एक पल्ली तो हमारा पीछे जाए, तो इसलिए उससे भी मांग दिया जैसे फादर बोला है। मुझे भी पता नहीं था कि 8 साल में 8 बार घर बदल के रहा, नहीं आप लोग उसको संभाल के रखना अभी कि ना मांगे, ठीक है। तो फादर संजय को भी धन्यवाद और फादर विल्फ्रेड जो पिछला था, फादर विल्फ्रेड आपको जैसे जानते हैं एक विशेष मूवमेंट के बाद न्यू कैटेगरी बने हैं, तो डायसिस का है लेकिन एक मूवमेंट भी है तो वो हमें सहयोग करता है। एसिस्टेंट पंडित पुरोहित है
और लगता है युग का भी। तो ये मुझे चाहिए, बहुत बच्चे लोग थे यहाँ, जानता हूँ कितने ही, इतना ही कलीसिया नहीं है, कोई कोई घर पे सोया पड़ा है, तो उनको जगाना, उनको मिस्सा को लाना, ये भी हमारा फर्ज, ये भी हमारा कर्तव्य है, ये भी हमारा काम है। इसलिए जितना पल्ली एक्टिव बनेगी, जितने एक्टिविटी होंगे, तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। जैसे फादर लोग जानते हैं मेरे मकलुष्कीगंज या लापरा से बहुत ही प्यार है, मैं कितने बार आते जाता हूँ आप लोगों को भी पता नहीं है। सभी बोलते हैं सिर्फ लापरा और कुरकुरिया जाता है, फिर सब ज़्यादा लापरा और कुरकुरिया जाता है, इसलिए जाता हूँ क्योंकि रांची डायसिस के दो सबसे दूर, इतना मुरी है लेकिन जिन लोगों के हाथ में है, ये दो बहुत दूर वाले और गारा रोड मार, तीन बहुत दूर वाले पल्लिया है, लेकिन ऐसे दूर है एक दूसरे से ज्योग्राफिकली, मतलब अपने नक्शा पे, लेकिन दिल से बहुत नजदीक है। और जो आप लोगों की जरूरतें हैं हम जानते हैं, और आप लोगों के लिए सदा जो सहयोग चाहिए वो देने के लिए, मतलब लोग जानते हैं कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मेरी आप लोगों से एक ही विनती है, देखिए ये छोटी सी पल्ली है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम हॉस्टल वाली पल्ली नहीं होना चाहिए, हॉस्टल में भी जो कैथलिक बच्चे हैं वो मिस्सा को आना चाहिए, क्योंकि धर्म हॉस्टल में भी रहता और घर में भी रहता। हॉस्टल में भेजे बच्चे घर गए बिना धर्म, बिना धार्मिक शिक्षा, तो क्या बनेंगे कौन जाए। इसलिए जो हॉस्टल में भी है बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे मेरी विनती है मिस्सा को आना, भाग लेना, कलीसिया के जो प्रक्रिया है, एक्टिविटीज है, उनमें भाग लेना। मेरे छोटे बच्चे, आप लोगों से दो ही विनती है और तीन है, तीन। पहला, पढ़ाई अच्छी तरह से करें, पढ़ाई करेंगे आगे बढ़ेंगे, खेलते खेलते वहाँ नहीं रहना ना। मुर्गी देखे है ना, मुर्गी मुर्गियाँ देखे है ना, घर में है ना, क्या करते हैं ऐसा करके वहाँ ही खाते हैं, ऊपर कभी नहीं देखते हैं, है ना। इसलिए ज़्यादा दूर नहीं जाते, मुर्गियाँ वहाँ ही घूम के, वो गीत को देखो ऊपर से सब कुछ देखता है, जहां चाहिए वहां से निकाल के लेता है, क्योंकि दूर देखता है, मुर्गी वहां ही देखते हैं, खाती है खाती है, बाद में आप लोग उसको काट के आप भी खाते हैं ना। लेकिन जो बड़े बड़े चिड़िया है गिर से ऊपर से देखते हैं, अपने को चाहिए कभी पकड़ नहीं सकते, मर के बाद में कोई नहीं। तो मैं आप लोगों गीत बोलता नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये दूर दिशा रखना, पढ़ाई करना। दूसरा, माँ बाप का आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। जब मोबाइल साइड पे रखना, रख बोलते हैं तुरंत साइड पे रखना, नहीं करना है ना, बहुत मुश्किल होता है ना, जब मोबाइल लेके खेलते हैं और माँ या बाप बोलते हैं उसको साइड पे रखो, करते हैं। पढ़ाई करना, मोबाइल थोड़ा सा समय के लिए ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो आप लोग ही मोबाइल में जाने चले जाएंगे ना। तीसरा, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से प्रभु हमारे पास आता है, हम प्रभु के पास। आप सबों को धन्यवाद, महिला संघ
कैथलिक सभा युवक संघ सिस्टर ब्रह्म को और मधुर आवाज से गाए हुए लड़कियों को कि नहीं उनको नहीं चाहिए था कि हम गाना गाए इसलिए हमें नंबर नहीं पहुँचे थे। बहुत बहुत अच्छा गाना गाया। सभी तैयारी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु के हाथ। कुछ बातें दिल में रख के हैं उनको मैं जिक्र करना चाहता हूँ।
आप लोगों का प्यार मेरे लिए सराहनीय रहा, आपने मुझे प्यार किया और मैंने भी आपको प्यार किया, इसलिए मैं साहिल धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जब मेरा यहाँ से विदाई हुआ, कुछ माता लोग, पिता लोग और भाई बहन लोग मुझे पहचानेंगे, और मुझे छोड़ करके आप लोग वापस जब आ रहे थे तो मुझे बहुत दुख हुआ। सामान तो मैं छोड़ करके आया, लेकिन दूसरे समय जाने में मुझे बहुत कठिनाई हो रही थी। यह दर्शाता है कि मैं आपसे जुड़ा हुआ था, एक परिवार के सदस्य की जैसे मैं आपके साथ रहा। आप सबका प्यार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबको धन्यवाद। जय फादर अजय को पता नहीं कि आप वो उसको पहुंचाने गए थे, श्योर करने के लिए वो पहुंच गया। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया है, हम तो महिमा और विश्वासियों के कल्याण के लिए विश्वत सेवकों की तरह सुसमाचार का प्रचार, संस्कारों का अनुष्ठान और प्रेम के कार्य कर सके। हम पर यह कृपा कर, हमारे प्रभु की नया पल्ली पुरोहित का विशेष आशीर्वाद होगा, उसके बाद हम सब होगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ईश्वर ने आपको कलीसिया में दूसरों की सेवा के लिए चुना है, वह आपको सारी मानव जाति के प्रति, विशेष करके पीड़ितों और दीन दुखियों के प्रति अपार उत्साह से भर दे। आमीन। उसने आपको क्रिस का सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, उसकी सहायता से आप इस वचन के अनुसार आचरण करें और उसके विश्वस्त तथा उत्साही साक्षी बने। आमीन। उसने आपको अपने मुक्तिदायी संस्कारों का वितरक नियुक्त किया है, ईश्वर के अनुग्रह से आप उसके पुत्र यीशु क्रिस्त का अनुसरण करें और इस संसार में एकता तथा शांति के परिचारक बन जाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों में आशीष प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदाने मिसा संपन्न हुआ, फोटो भी निकाल लेंगे, तो वीडियो से निकाल लेंगे, उतना ठीक नहीं आता, इसी से निकाल लेंगे। ठीक 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 ठीक।
चलो पीछे पीछे रहो।